सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रभास की मूवी आदि पुरुष के टोटल 10 डेज के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, एकदम क्लियर डेटा के बारे में बात करेंगे। और वहीं पे दोस्तों बात करेंगे इसके 11 डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करें तो 16 जून को फ्राइडे के दिन सिनेमाघर के अंदर आदि पुरुष मूवी को रिलीज कर दी गई थी। वहीं पर दोस्तों बात करें तो ये मूवी अपने सिनेमाघर के अंदर आज 11वां दिन कंप्लीट करने वाली है। और अभी दोस्तों बात तो इसके 10 डेज के वर्ल्ड वाइड का फ्रेश डेटा निकल के आ गई है। बात करेंगे इसके 10 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो की कोई भी पार्ट आपको अच्छी लग जाए, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर बात करें आदि पुरुष मूवी के 10 डेज के केवल हिंदी के अंदर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े के बारे में, तो 141.8 करोड़ की कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। वहीं दोस्तों, अगर वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करें टोटल 10 डेज के नेट इंडिया कलेक्शन के बारे में, तो 275.75 करोड़ की बेहतरीन कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। उसी के साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करें 10 डेज के टोटल ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों ओवरसीज से टोटल अपने 10 दिन में 53 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। और उसी के साथ दोस्तों, अगर बात करें इंडिया ग्रॉस कलेक्शन के बारे में, यानी कि 10 डेज के टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन के बारे में, तो 325.05 करोड़ की कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। वहीं पे दोस्तों, अगर बात करें आदि पुरुष मूवी के टोटल 10 डेज के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो जो डेटा निकल के आ रही है एकदम फुल एंड फाइनल 10 डेज का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, अगर बात करें वर्ल्ड वाइड के अंदर 378.05 करोड़ की कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। लेकिन दोस्तों, वहीं पे अगर हम बात करें तो जो टी सीरीज की तरफ से डेटा निकल के आ रही है, उसके हिसाब से ये मूवी ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड वाइड के अंदर 450 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने 10 दिन में टोटल कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये समझ में नहीं आता कि ये किस हिसाब से डेटा हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक का जो मैं आपको बता रहा हूं, काफी बड़ी वेबसाइट है, उसके थ्रू यही पता चल रहा है 378। ठीक है, अगर मानते हैं इसको 1-2 करोड़ ऊपर कर देते हैं, 380 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड के अंदर। लेकिन दोस्तों, टी सीरीज किस हिसाब से या फिर इनके मेकर्स किस हिसाब से 450 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये मूवीज के जैसा ही डेटा को भी किसी और तरीके से या फिर किसी और नजरिए से देख रहे हैं, अभी उनके मेकर्स को ही पता होगा इसके बारे में। लेकिन दोस्तों, जो मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, काफी बड़ी एक वेबसाइट है, उसके थ्रू अभी तक का जो डेटा है वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन के बारे में, तो 378.05 करोड़ या फिर आप उसको 380 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मान सकते हैं, जो कि एक बड़ी वेबसाइट जिसके ऊपर हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का लेटेस्ट और एक्यूरेट अपडेट देखने मिल जाती है। तो दोस्तों, यही अभी तक का अपडेट था आदि पुरुष मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर उसी के साथ बात करें आदि पुरुष मूवी के 11 डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट के हिसाब से ये मूवी अपने 11वें दिन पे 2 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं पे दोस्तों, अगर बात करें तो ऑल इंडिया के अंदर इसके कलेक्शन के बारे में बात करें, तो अपने 11वें दिन पे 277.7 करोड़ की ऑल इंडिया के अंदर अपने 11वें दिन पे टोटल कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आदि पुरुष मूवी के 450 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय, और साथ में हमारे डेटा यानी कि जो डेटा मैं शेयर किया हूं आपके साथ, उसके बारे में आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। वीडियो की कोई भी पार्ट आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दे। इसी तरह के लेटेस्ट और एक्यूरेट अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।